हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। और अभी मॉर्निंग का बज रहा है 7:30 बजे से मैं आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन सुबह हुआ था तो जल्दी, लेकिन इस बारिश की वजह से ना सब काम ऑलरेडी लेट चल रहा है, हम लोग बहुत ही पीछे चल रहे हैं। और लगातार 1 से 1.5 घंटा बारिश, 1.5 घंटा हो गया है बारिश चलने के बाद। अभी थोड़ा सा थमा है बारिश। और मम्मी आई थी पीछे फूल लेने, तो मम्मी के साथ मैं भी आ गई थी। और ये टॉगर फूल का पेड़ है और इसमें इतना ज़्यादा फूल होता है, मतलब हम लोग घर में भी चढ़ाते हैं भगवान जी को, क्योंकि हम लोग अनुकूल चंद्र भगवान जी की शिष्य है। तो हम लोग चढ़ाने के बाद ना उनको भी सफ़ेद फूल लगता है। चढ़ाने के बाद जो आसपास के लोग हैं वो भी लेकर जाते हैं। उसके बाद भी इतना फूल होता है कि सारा पेड़ अभी भी जैसे लग रहा है फूल कोई किसी ने उठाया ही नहीं, अभी भी इतना ज़्यादा भरा हुआ है। और बारिश की वजह से ना कोई काम करने का उतना मतलब एनर्जी नहीं मिलता है, जैसे बैठे रहो इस टाइप में एनर्जी होती है। तो मम्मी एनर्जी के लिए मम्मी ने बना दिया था चाय। उसके बाद चाय पीने के बाद मम्मी गई है पूजा करने और अभी मैं आ गई हूँ, गैस स्टोव वगैरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए तो दीदी आ चुकी है, घर भी पोछा लगा लेंगी। तो लेकिन हमने सोचा था कि दीदी नहीं आएंगी, लेकिन दीदी आ चुकी है और बारिश को साथ में लेकर ही आई थी। मतलब फिर भी थोड़ा सा अभी सही है, नहीं तो वही सारा काम अभी इतना देर में चालू करेंगे तो 9:30 बज जाता। लेकिन शुक्र है कि दीदी आ चुकी है। तो चलिए मैं अभी थोड़ा सा गैस स्टोव वगैरह जो है ना वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये मम्मी का बहुत पुराना गैस स्टोव है, इसको मम्मी अच्छे से क्लीन करके रखती है, इसलिए अभी इतना दिन तक ये सही सलामत है। वैसे तो गैस स्टोव नॉर्मली कुछ होता नहीं है, सबके पास पुराना पुराना ही है, बट मम्मी ने चेंज नहीं किया, यही चल रहा है। और ये बात भूल जाऊँ तो मैं बहुत ही शेल्फिश हो जाऊँगी, और मैं बिल्कुल शेल्फिश नहीं हूँ। मेरी जो प्यारी सी फैमिली है उन्होंने पूछा था कि दादाजी कैसे रहते हैं वो प्लीज़ बताइएगा। तो दादाजी अभी ठीक है और पैर का सूजन तो इतना जल्दी कम नहीं होता है, तो डॉक्टर ने दवाई दिया है वो अभी खा के देखते हैं कैसे रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ ही जाता है, थोड़ा सा अगर एज में भी फ़र्क पड़ता है। और एक बात से तो आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि 102+ एज में इतना दिन अच्छे से रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम तो डिफ़िकल्टी तो आती है, और सबसे बड़ी बात है इतनी एज में मुझे तो नहीं लगता मैं टिकूंगी, क्योंकि दादू लोग पुराने ज़माने का लोग थे, उन्होंने दूध दही पे डिपेंडेंट थे, पूरा एकदम वेज शुद्ध वेज थे और इतना कुछ मतलब शुद्ध मिलता था उनको, क्योंकि घर में ही गाय था, मेरे शादी के बाद भी गाय था, मेरी बेटी हुई थी उसके बाद बहुत दिनों बाद, उसके बाद पापा कहीं आना जाना नहीं कर सकते थे गाय के लिए, तो इसलिए हमने बेच दिया है, नहीं तो इतना दिन गाय था, सोचिए सब कुछ घर में ही था तो इतना अच्छे खाए, इसलिए दादू को कोई तकलीफ नहीं था भगवान की कृपा से। और मुझे भी मैं दिल से चाहती हूँ कि वो सही सलामत ही, कोई उनको तकलीफ ना मिले भगवान की कृपा से। तो इस घर की नींव है, कोई भी मतलब एजेड लोग जो भी आपके घर में है वो घर की नींव होती है हमेशा। और कपड़ा डाल दिया है मैंने मशीन पे, एक्चुअल में कल ही चलाने वाली थी, लेकिन कल तो सारा दिन बारिश हुआ, ऊपर से 5-6 बार बिजली कटा था, बिजली नहीं था। तो यहाँ पर यही एक दिक्कत, सबसे बड़ा दिक्कत है कि कुछ भी हो जाए बस बिजली कट हो जाती है, कुछ भी ना हो जाए फिर भी बिजली कट हो जाती है, तो इसलिए मैं नहीं लगा पाई। लेकिन अल्टीमेटली आज मैंने हिम्मत बना के स्टार्ट कर ही दिया है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो चलिए मेरा मशीन भी घूमना चालू कर दिया है, देखते हैं कैसे धोता है। और मेरा सेमी वाला तो बहुत अच्छे से धोता है, जैसे हम हाथ से नहीं धोते रगड़ के, उस टाइप में सेमी वाला धोता है, तो मैं तो सेमी वाले से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन ये कैसा काम करता है ये नहीं पता, तो पहले मैं यूज़ कर लूँ उसके बाद ही आपको बता सकती हूँ कैसा होगा ये मशीन ऑटोमेटिक, क्या कैसा होगा। सेमी तो आप बिना डाउट किए खरीद सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, अब ये वाला नहीं पता। और आज मैंने बहुत हिम्मत करके लगाया पता है आपको, क्योंकि नलके से ना बिल्कुल पानी अभी भी गिर रहा है, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए अच्छे से गिर रहा है ना, देखिए पाइप बह के निकल रहा है, अच्छे से निकल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। लेकिन मैंने थोड़ा सा फंक्शन देखने के लिए चलाया कि देखती हूँ थोड़ा सा चला के कैसा धोता है नहीं धोता है।
और नीचे का सारा काम निपटा के अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर। और आज ना ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, बिस्तर वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किया था क्योंकि बेटी सोई हुई थी। वैसे तो बेटी को उठा के साथ में लेकर कभी कभार जाती हूँ, और कभी कभार वैसे भी उठना नहीं चाहती है, बिल्कुल भी उठना नहीं चाहती है। वैसे भी आज ही कर रही थी क्योंकि बारिश का मौसम है, ठंडा हो गया था तो बिल्कुल उठना नहीं चाह रही थी। तो थोड़ी देर बाद मेरे जाने के थोड़ी देर बाद उठ के फिर नीचे गई है। और जैसे मैं हूँ ना, मेरी बेटी वैसे उसके उल्टी है, एकदम उल्टी है, क्योंकि मैं जितना फास्ट काम करती हूँ वो उतना स्लो है, और हर काम में उसको आधा से पौने एक घंटा लग जाएगा। अभी ब्रश करने जाएगी ना तो कम से कम 15 मिनट उसको चाहिए ब्रश करने में। ब्रश के में कोलगेट लगाएगी धीरे धीरे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रश करेगी, उसके बाद मुंह धोएगी, धो 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 बोलने के बाद वो मुंह धोएगी। ऐसे करते करते ना उसका 11 बज जाता है, और 11 बजे से फिर से ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाती है, फिर से मोबाइल, फिर मोबाइल मोबाइल मोबाइल, बहुत परेशानी हो गई। सभी बच्चे अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और मेरा लैपटॉप मेरे हस्बैंड के पास है, वो लेकर गए थे, इसलिए मुझे और दिक्कत हो रही है। क्योंकि 2400 घंटा ना, ये क्लास ख़त्म होगा उसके बाद उसका होमवर्क आ जाएगा, क्लास वर्क आ जाएगा, वो उठाना है, जो क्लास में हुआ उसको कॉपी में फेयर करना है, तो ये करते करते ना उसको मोबाइल में ही आधा दिन चला जाता है। और मेरी बेटी को तो है ही चश्मा आगे से ही, तो इसके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ इस बारे में, क्या होगा पता नहीं। ये कोरोना ने सच में सबका ज़िंदगी जो है ना पूरा इधर से उधर उलट पुलट हो गया है। और देखिए, आपसे बात करते करते ना मेरा घर का सारा काम भी हो गया है। मुझे बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मतलब बात करने में ना जितना खुशी है ना, वो जो घर मतलब मन के अंदर जो गम है ना, वो सारा कुछ भूल जाती हूँ मैं, बहुत अच्छी रहती हूँ सारा दिन। तो चलिए आ जाइए, आप भी इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म चाउमीन। और चाउमीन मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ क्योंकि आप बोलेंगे शुमोना आलू दे के चाउमीन खाती है। हाँ, हम लोग आलू दे के चाउमीन खाते हैं, कभी कभार खाते हैं, क्योंकि जब कोई भी सब्ज़ी नहीं रहता है तब आलू दे के चला देते हैं हम लोग। तो वही आलू दे के मैंने बनाया है चाउमीन, थोड़ा सा एग भी डाला है, और 3 प्लेट इसलिए है बाबू, मैं और मम्मी, पापा अभी नहीं है, पापा जब आएंगे, पापा का अलग से रखा हुआ है, उनको भी दे देंगे। और देखिए, तो इस चीज़ को पहचानते हैं नहीं, इसको हम लोग तो बोलते हैं चिचिंगा बोलते हैं। ये एक सब्ज़ी है, बहुत बड़ा लंबा सा होता है, ये थोड़ा सा बचा हुआ था फ्रिज में, ये सारा कुछ कट हो गया, देखिए ये सारा कुछ कट हो गया था, उसके बाद थोड़ा सा जो बचा हुआ था ये फ्रिज में एक कोने में पड़ा हुआ था, मैंने बोला आपको दिखा देती हूँ। तो ये ऐसे काटा है बारीक बारीक, इसको एक बार धो लिया था, थोड़ा सा इसका स्किन ना निकालना पड़ता है, और अच्छे से धो के बहुत अच्छा लगता है इसकी सब्ज़ी, मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, बहुत अच्छा लगेगा। लंबा सा होता है, बहुत बड़ा बड़ा, और इसको पतला पतला काट के अभी अच्छे से धो लूँगी, और एक बार उसके बाद क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ना नमक लगा के इसको थोड़ा सा सॉफ़्ट होने के लिए देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना ये हार्ड होता है, इसको थोड़ा सा सॉफ़्ट होने के लिए रखेंगे। और मैं इसमें डाल दूंगी, डाल के अच्छे से नमक लगा के ढक के रख दूंगी इसको 10-15 मिनट, कम से कम आधा घंटा ढक के रखना पड़ता है, तब ये सॉफ़्ट हो जाता है, एकदम सॉफ़्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको बनाऊंगी। और ये वाला रेसिपी ना आपके साथ शेयर करूंगी कैसे बनाते हैं। अगर आपने बनाया होगा, इसका नाम अगर पता होगा, आप लोग बोलेंगे सुमोना को हिंदी का नाम कुछ भी नहीं पता, थोड़ा बहुत नहीं पता मुझे, क्योंकि मुझे हिंदी में ना उतना नहीं पता कुछ, जो नहीं पता मैं बता देती हूँ आपको कि नहीं पता। तो चलिए अभी मैं इसमें ना थोड़ा सा नमक लगा के ढक के रख दूँगी, उसके बाद इसको लगाऊँगी तड़का। बिल्कुल सिंपल सा सब्ज़ी बनती है इसकी, हरी मिर्ची और सरसों दे के बनाते हैं हम लोग, इसमें नारियल भी डाला जाता है, कद्दूकस करके ना नारियल अलग से रख के उसके बाद भी बनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये वाला सब्ज़ी। और उसको तो ढक के रख दिया है, वो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा सॉफ्ट होने में। यहाँ पर मैंने बिठा दिया है पानी, पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल दूँगी मैं अंडा और आलू, और यहाँ पर बनेगा अंडा कढ़ी बनेगा। और आलू देखिए हम लोग बनाते हैं ज़्यादातर, कभी कभार बनाते हैं जो एकदम सूखा जिस दिन बनता है ना उस दिन बनता है सिर्फ अंडा देके, नहीं तो आलू हम डालते हैं। और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है अंडा, पसंद है चिकन, पसंद है उसको फिश बिल्कुल नहीं पसंद, बोल रही हूँ ना कि मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है मेरी बेटी, मुझे फिश बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बेटी को बिल्कुल नहीं पसंद, तो ऐसे ही होता है ऑपोजिट है। और इसको थोड़ा सा नमक देके उसके बाद ढक के पका लूँगी। Thank you.
जो चिचिंगा था वो अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, उसके अंदर डाला है 3-4 हरी मिर्ची, और ये पापा लाए हैं बहुत ज़्यादा तीखा है ये वाला हरी मिर्ची। उसके बाद डाल दिया है मैंने पीला सरसों थोड़ा सा, एक स्पून, आप अगर बहुत ज़्यादा हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने आधा स्पून करीबन डाला है, अगर टी स्पून हो तो एक स्पून डाला है, वन टी स्पून। देखिए इतना ज़्यादा पानी निकला है इसमें से, तो अभी मैंने डाल दिया है चिचिंगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी भी थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक डाल के इसको रख दिया था हमने, तो इसके अंदर नमक ऑलरेडी जा चुका है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा उसी के लिए डाल दिया था थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। और ये पकने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैंने ढक के इसको रख दिया है। और एक तरफ मैं अभी अदरक और लहसुन जो अंडे में डलेगा ना वो अभी पेस्ट बना लूँगी उसका। तो मैं यहाँ पर सिलबट्टा का इस्तेमाल करती हूँ, जितना दिन घर में रहती हूँ ना हम लोग कोशिश करते हैं कि सिलबट्टा यूज़ किया जाए, क्योंकि सिलबट्टे में पिसा हुआ जो मसाले का टेस्ट होता है ना वो किसी में नहीं है, तो इसलिए हम लोग घर में जितना दिन रहते हैं ना, और मम्मी नीचे रखती नहीं है सिलबट्टा, ऊपर ही रखती है, क्योंकि मम्मी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है सिलबट्टे को नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना चढ़ाना, तो थोड़ा सा इसलिए ऊपर ही रहता है। तो चलिए देखिए एक बार मैं ना ऐसे इसको थोड़ा सा ढक्कन खोल खोल के इसको एक दो बार चला लूँगी। और हमने थोड़ा सा चीनी यहाँ पर ऐड किया है, मुझे थोड़ा सा मीठा पसंद है इसलिए मैंने चीनी ऐड किया है, अगर आपको नहीं पसंद मीठा तो आप मत डालिएगा। और बार बार चलाते हुए इसको ढकना है, उसके बाद फिर से खोल के और एक बार चलाना है, ऐसे करते करते देखिए ये अभी इस स्टेज पे आ चुका है, तो ये अभी फ्राई हो गया है ऑलमोस्ट। इसको थोड़ी देर और चला लूँगी खोल के, अब ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसको खोल के थोड़ी देर और पका लूँगी, थोड़ा सा और ये कम हो जाएगा, उसके बाद बस बनके तैयार है हमारा जो रेसिपी है चिचिंगा, वो फ्राई हो चुका है। इसके ऊपर हम डाल सकते हैं थोड़ा सा नारियल, हमारे पास नारियल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। लीजिए फिर से और एक बार चालू हो गया है बारिश, और आधा खाना बना है आधा नहीं बना है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और मज़ा ले लेते हैं बारिश का, ऐसे छोटे टाइम में करते हैं ना हम लोग करते थे, हाथ फैला के ऐसे पानी को पकड़ के रखना उसके बाद छोड़ देना, मतलब बहुत चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग जो हमें याद दिलवाती है जो टाइम पीछे छूट गया है ना। चलिए अब क्या कर सकते, जो छूट गया है वो छूट गया। तो चलिए यहाँ पर मेरा जो तेल है अंडा करी के लिए वो गर्म हो चुका है, अब मैं जो अंडा है उसको डाल दूँगी एक एक करके, उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करके थोड़ा सा आलू को भी मैं फ्राई कर लूँगी, फिर मैं बनाऊँगी इसका ग्रेवी। तो आप लोग कैसे बनाते हैं, इसी टाइप में बनाया तो जाता है नॉर्मली, बहुत लोग अंडे को फ्राई नहीं करते हैं लेकिन मैं तो फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा बारिश देखने के लिए गई थी ना तो थोड़ा जो तेल है वो ज़्यादा ही गर्म हो गया था, थोड़ा अंडा थोड़ा सा ज़्यादा ही रेड हो गया है, और यहाँ पर मैंने अंडे को उठा के रख दिया है, अब मैंने आलू डाल दिया है, इसको भी अच्छे से फ्राई करके अलग करके रख दूँगी। और अभी मैं कढ़ाई पे डाल दूँगी थोड़ा सा साबुत जीरा, उसके बाद डाल दिया है मैंने प्याज, और इस दोनों को अच्छे से भून लेने के बाद हम डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो मैंने बना के रखा था वही अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। सिंपल सा अंडा करी मैं बनाऊँगी, अगर आप चाहे तो ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं बना के एक बार, और अगर नहीं पसंद है तो प्लीज़ अब क्या करें, मैंने दिखा दिया है आपको, अगर किसी को नहीं आता है तो दीदी लास्ट में बोलेंगी मुझे कि दीदी आपने शेयर नहीं किया, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी डाल दिया है टमाटर, और अभी 2 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है, और 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, छोटा चम्मच का मैंने डाला है। अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए पका लूँगी,
थोड़ा सा नमक भी अगर चाहें इसको ऐड कर सकते हैं आप। इसके बाद थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इस पर पानी, और पानी में हर मसाले के अंदर ही डालती हूँ क्योंकि मसाला नहीं तो जल जाता है, उसका टेस्ट पानी डालने से बहुत अच्छा आता है। कोई भी चीज़ अगर आपको लगे कि वो जल रहा है तो आप अगर पानी डाल देंगे ना कोई भी मसाला तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने आलू डाल के उसके बाद थोड़ा सा और भून लेने के बाद अभी मैंने डाल दिया है ग्रेवी के लिए पानी। और ग्रेवी जब उबलने लगे ना उसी टाइम हम इसमें ऐड कर देंगे अंडा। मैंने शूट तो किया था लेकिन बाय चांसली वो मेरे हाथ से डिलीट हो गया था, सॉरी। तो ये है मेरा ग्रेवी रेडी हो चुका है। इसमें मैंने अंडा डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इस पर गरम मसाला ऐड किया है। कलर अच्छा आया ना, आप ट्राई कर सकते हैं, बना के देख सकते, बहुत अच्छा लगेगा। दोपहर के बाद अभी हो चुका है शाम और मैं ना सो गई थी, बहुत दिन नहीं सोया मैंने तो इसलिए मैं और बाबू दोनों सो गई थी, और बारिश उसके बाद फिर से चालू हो गई थी तो इसलिए और भी मौसम ठंडा हो गया था ना, तो इसलिए हम लोग सो गए थे। और वो है हमारा मेन रोड। मुझे आज थोड़ा बाहर भी जाना था लेकिन आज अभी भी बारिश हो रही है तो जाना तो बहुत मुश्किल ही लग रहा है मुझे। तो चलिए आज का ब्लॉग अब एडिट भी करना है, उसके बाद इतना बारिश में पता नहीं लाइट रहेगी नहीं रहेगी ये भी नहीं पता। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। देखिए मेरा मनी प्लांट का हालत, पूरा पानी जो है ना आधा ही रखा था मैंने इस पर और अभी पूरा भर चुका है। ये है हालत मेरे मनी प्लांट का। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अब पता नहीं कितना रात तक बारिश होगा। चलिए फिर कल मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। आपसे और मुलाकात नहीं होगा ना, इसलिए गुड नाइट, शुभरात्रि। आप लोग बहुत अच्छे से रहिएगा, संभाल के रहिएगा और सबका ध्यान रखिएगा।